हेलो चिल्ड्रंस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। रक्षाबंधन यह त्यौहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी बॉन्डिंग और प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है, जब रंग बिरंगी राखियों और सुंदर गिफ्ट से बाजार भर जाते हैं। भाई किसी भी उम्र के ही हों, अपनी कलाई पर सजी रेशम की उस सुंदर डोरी से वे खुद को एकदम खास महसूस करते हैं और बड़ी शान से इसे सबको दिखाते हैं। बहन और भाई के बीच प्यार का यह सबसे बड़ा पर्व है। पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। हम बड़े जहां परिवार के लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं और भाई बहन से ये सोचती है कि इस बार अपने भाइयों को राखी पर क्या खिलाना है। वही बच्चों के उत्साह की भी सीमा नहीं होती, जैसे एक दूसरे के लिए हाथ में कार्ड बनाना, मिठाई खिलाना, अपनी छोटी बहन को यह कहकर चिढ़ाना कि उसे गिफ्ट नहीं मिलने वाला, भले ही चॉकलेट का वह डिब्बा बड़ा सा लेकर क्यों ना आ जाए। राखी बांधने, मिठाई खिलाने और गिफ्ट देने के बाद एक स्टोरी सेशन में हम इस त्यौहार को मनाने के पीछे के बारे में बता रहे हैं, जो ना केवल लोकप्रिय किस्से के बारे में बता रहे हैं, जो न केवल हमें इस त्यौहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य बताते हैं। रक्षाबंधन के इतिहास पर आधारित इनमें से जो कहानी बच्चों के लिए बेहतरीन नैतिक सबक भी है। हुमायूं और रानी कर्मावती पर आधारित ये कहानी है। यह रक्षाबंधन से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो भारत के इतिहास में दर्ज है। बात तब की है जब दिल्ली पर मुगलों का शासन था। उस समय राजस्थान के चित्तौड़ में राणा सांगा की विधवा रानी कर्मावती राज्य संभालती थी। वैसे तो चित्तौड़ का राजकुमार पुत्र राणा विक्रमादित्य था, लेकिन संभालने के लिए उसकी आयु काफ़ी कम थी। ऐसे में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ राज्य युद्ध का सामना कर रहा था, लेकिन उससे बचने के लिए कम उम्मीद थी। रानी कर्मावती जानती थी कि मुगल बहुत शक्तिशाली हैं और केवल उनकी मदद से ही बहादुर शाह को रहाया जा सकता है। इसलिए आखिरकार उम्मीद के रूप में उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को एक राखी के साथ संदेश भेजा। हुमायूं उस समय किसी दूसरी लड़ाई में व्यस्त था। वह एक बहादुर योद्धा था और आमतौर पर किसी भी चीज़ के लिए अपनी सैन्य योजना नहीं बदलता था। हालांकि वह कर्णावती की राखी को मना नहीं कर सका। तो वैसे तो राखी हिंदुओं का पर्व है और हुमायूं मुस्लिम था, लेकिन उसने राखी का मान रखा और कर्णावती को बहन मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला किया। अपनी राखी बहन की खातिर उसने अपने सैनिकों को दिशा बदलने के लिए कहा और तुरंत कर्णावती की मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसके बावजूद अफसोस की बात है कि हुमायूं को पहुंचने से पहले ही बहादुर शाह ने चित्तौड़ में प्रवेश कर लिया। इसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानी कर्मावती कई अन्य स्त्रियों के साथ जौहर में कूद पड़ी। हुमायूं अपनी बहन की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़कर आया था, लेकिन अफसोस की वीरानी को वचन नहीं निभा सका। लेकिन बाद में उसने बहादुर शाह से युद्ध करके चित्तौड़ को कब्जे में लिया और कर्णावती के पुत्र को सौंप दिया। आज यह कहानी रक्षाबंधन इतिहास में एक स्थायी कणविद बन गई है। भाई और बहन के बीच का रिश्ता मजबूत और शुद्ध होता है, यहाँ तक कि अगर रिश्ता खून का नहीं तो भी इस बंधन को बनाने और सील करने का एक सुंदर तरीका है। राखी बांधने का रिवाज हुमायूं कर्णावती की कहानी इस बात का प्रमाण है। राखी बंधन की ये कहानी कर्णावती हुमायूं की यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी रक्षाबंधन।